नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को फिर आपके बीच में एक हस्तरेखा का टॉपिक लेके, और आज हमारा टॉपिक होगा राहु से रिलेटेड, कि राहु पे कुछ इस तरीके के साइंस अवेलेबल अगर आपके हाथ में है, यानी कि अगर वो चिन्ह आपके हाथ में है तो सडनली आपको गेन्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर आपको सडनली वेल्थ में पैसा मिल सकता है, या आपको कुछ कार कुछ भी एक्सेट्रा पर अच्छा मिलने के योग, किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपने देखे होंगे, देखिए मैं आज के उसमें बता दूं कि कलयुग में जितना सामर्थ्य सारे ग्रहों में होता है हर चीज अच्छी भी और बुरी करना, पर सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल मैं मानता हूँ आज के कलयुग में, तो वो राहु, जो बड़े बड़े हमारे शक्तिशाली प्लैनेट थे जैसे कि राहु, ये व्यक्ति को इतना अमीर बना देता है रातों रात, और उतना गरीबी में भी ले आता है कि बोलो मत। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्षमता होती है राहु में देने की। हम अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले बता दूं राहु कहाँ होता है। हमारी ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा होती है, और ये जो जीवन रेखा होती है इसके इधर, ये बिल्कुल जो क्षेत्र होता है ये होता है हमारे राहु पर्वत का। राहु जब अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता तो व्यक्ति चतुर चालाक होगा, प्लस सडनली वो उसको मालूम है किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है, किस तरीके से हमें गेन करना है किसी भी चीज से। राहु पर मान के चलिए आपके अगर ट्राइंगल है तो 101% आपको 42 के बाद कुछ अच्छी योग बनेंगे प्रॉपर्टीज लेने के, और 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बनेंगे अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी है और हाथ में भी शनि थोड़ा अच्छा है जो कि प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। मंगल भी देखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ये एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल योग बनेंगे। फ्लैग है तो डेफिनेटली आपको सडनली मनी गेन हो सकता है, वो जो होगा मैं आपको एक उम्र बता दे रहा हूँ, पर इसको कोई राहु रेखा नहीं काटे। राहु रेखा जब काटती है किसी चीज को तो उसमें परेशानी जरूर लाती है, जैसे अगर ट्राइंगल बन रहा है तो राहु ने इसको काट दिया तो डेफिनेटली वहां परेशानी आएगी, हो सकता है हाथ से निकल जाए वो चीज, या उसकी तरफ से वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था वो नेगेटिव में बदल जाए। ठीक है, ट्राइंगल हो गया, फिश हो गया, हाँ फिश का भी मैं बता दूं, यहाँ पर फिश होगा तो आपको 28 के बाद या 30 के बीच में मिलने के कुछ अच्छे चांसेस बनते हैं, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो आपको कार या फिर आपकी जमीन जायदाद कुछ मिलने के योग जरूर बनते हैं। बट ये चीज़ देखा गया है कि जो राहु की एक सडनली एज होती है वो यही होती है कि अगर व्यक्ति को अच्छी सक्सेस वो देता है तो 36 के बाद से प्लस 42 के एज के अप्रोक्सीमेटली जाके वो दे देता है अच्छा व्यक्ति को कुछ ना कुछ, तो इस एज में आपको मिलने के बिल्कुल चांसेस रहेंगे। फेस हुआ, ये चिन्ह जो होते हैं राहु पे बहुत अच्छे होते हैं, सडनली प्रॉफिट अर्न गेन करवाते हैं और रातों रात अमीर भी बना देते हैं व्यक्ति को। तो ये छोटा बहुत टॉपिक था दोस्तों आज की इस वीडियो में, छोटा सा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल पे, जरूर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।